लग ही जाए। हम श्री कृष्ण गोविंद है नाथ नारायण वासुदेव गोपाल दामोदर दीनदयाल दुखभंजन पूरन कृपाल। एक दिन कन्हैया आए, देखा कि बड़ी भव्य तैयारी हो रही, बड़ो मेलो लग रहे है, बड़ी तैयारियां हो रही हैं। कन्हैया ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये सब काहे रियो है? नंद बाबा ने कहा, लाला तू जानता है हर साल हम राजा इंद्र की पूजा करते हैं, दीपावली का समय होता है, ध्यान से देखती हो ना, भरत दीपावली में गोवर्धन पूजा होती है ना, ये भगवान ने गिरिराज उठाया था, गायों की पूजा हुई थी गोवर्धन की, वही दिन है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो दीपावली के दिन हम राजा इंद्र की पूजा करते हैं। राजा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वही बरसात करता है, बरसात से अन्न पैदा होता है, अन्न से जीवन चलता है, अन्न आहार भोजन मिलता है, तृप्ति मिलती है, जीवन चलता है, इसलिए देवराज इंद्र की पूजा होती है। अब भगवान ने समझाया, और छोटे से हैं कन्हैया लेकिन उनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी है। बोलो जय श्री कृष्ण। उनकी बात सब जानते मानते समझते, ऐसे नहीं कि उम्र छोटी है लेकिन बात तो बड़ी मोटी है। कन्हैया ने ज्ञान दिया, वहां पे केवल नंद बाबा नहीं, उपनंद बाबा और बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग मुखी साहब सब बैठे थे उस जमाने के। कहने लगे, देखो बाबा जी, हर इंसान सुख दुख अपने कर्मों से पाता है, राजा इंद्र की वजह से नहीं पाता। बोलो जय श्री कृष्ण। और जो प्रारब्ध होता है वो इंसान को मिलता है, इससे ज्यादा तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अपने व्यवहार पे, स्वभाव पे ध्यान देना चाहिए। जिसने सृष्टि रचाई वो सबकी पालना करते, उन्होंने जिसने इंद्र को भी बनाया, इसलिए इससे ज्यादा तो हमें लाभ मिलता है गौ माता से, गिरिराज से। गिरिराज में वनस्पति है, हरी हरी घास है, गौएं चरती हैं, गायें दूध देती हैं, और हमारा क्या है, कृषि गौरक्षव वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। भाई गौ रक्षा करना हमारा काम है, गौ पालन करना हमारा काम है, गौएं से हमारा जीवन चलता है। बाबा क्यों ना हम गोवर्धन की पूजा करें, या गौओं को भी आहार मिलता है, क्यों ना गौओं की पूजा करें। कुछ आए दो चार ग्वाल बाल आए, वो मना करने लगे कि भैया कितने वर्षों से पुरखों से पूजा चल रही है, ये नेक सो छोरों मना कर रहे हो। वो दिन पूरा तो मीटिंग करने में गुजर गया, कोई फैसला हुआ नहीं। दूसरे दिन फिर मीटिंग बैठी, फिर आखिर एक स्वर से फैसला हुआ कि जो कन्हैया कहेगा हम तो वही करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल दामोदर दीनदयाल दुखभंजन पूरन कृपाल। तो बोले अब क्या करें? बोले सब गोवर्धन जी की पूजा की तैयार करो, छप्पन भोग बनाओ, तरह तरह के मिष्ठान नमकीन पदार्थ, क्या क्या नाम ले महाराज, ऐसे ऐसे बढ़िया मीठे मधुर रसीले और नमकीन खारे पदार्थ बने, फल फूल दूध दही घृत मेवा माखन मिठाई जलेबी पकौड़ा। हाँ आज होते तो आप पिज्जा बर्गर समोसा वमोसा भी लगा देते वो। हाँ श्री कृष्ण गोविंद। भगवान तो भाव से जो खिलाओ पिलाओ भैया खा डालते। हाँ तो छप्पन भोग लगाए गए। अब भगवान ने देखा कि इनकी गिरिराज में आस्था मजबूत करनी चाहिए, तो भगवान ने क्या किया, सब भोग सामने रखे, सबको कहने लगे हाथ जोड़ो गिरिराज को मनाओ तब तो जीमेंगे। बोले कैसे जीमेंगे, वो तो सब खानो तो हमको ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा भोग। बोले नहीं, आप प्रार्थना करो, साक्षात गिरिराज जी हैं, जीमेंगे। भगवान ने जब सबको कहा, ब्रजवासियों ने हाथ जोड़े और एक रूप से भगवान ये विशाल पर्वत के आकार का गिरिराज जी का रूप धारण करके खुद ही खड़े हो गए। बोलो गिरिराज भगवान की। और जो गोप गोपियां देखे चकित हो गए, अरे बाप रे, ये तो साक्षात गिरिराज प्रकट हो गए। भगवान ने कृष्ण रूप से कहा, आप देखते क्या हो, जल्दी भोग जमाओ, साक्षात गिरिराज जी आए हैं। अब दूध मलाई रबड़ी मेवा भगवान जिमते जाए, थाल के थाल भीतर, ऐसे नहीं कि एक पेड़ा उठाया बाकी चलो भाई हाँ प्रसाद बांटो, नहीं, पूरा थाल अंदर, बाल्टियां भरी खीर की, घटाघट पी गए भगवान और पूरा विश्व तृप्त होते गया। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
अरे थोड़ा प्रेम से बोलो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, ओम राधे श्याम, ओम सीताराम सीताराम। क्या नुकसान हो रहा है भाई आपका। श्री कृष्ण गोविंद। नाथ नारायण वासी, ब्रिजवासी हक्के बक्के रह गए, धरती खिसक गई, चकित हो गए, अचरज में भर गए, हैरान परेशान। परेशान किस लिए? कि दारी के इंद्र के पूजा करते करते हजारों बरस बीत गए, कभी दारी को पास नहीं आयो, कभी भोग नहीं जिमायो, कभी झलक नहीं दिखाई ससुरे ने। गिरिराज महाराज पहले ही बरस साक्षात प्रकट हो गए और जिम रहे भोग। जय हो गिरिराज की, सब जय जयकार करने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। कि पहले ही बरस में साक्षात प्रकट होके इसे देवता कहते हैं, वो देवता तो नजर ही नहीं आते। भगवान हंस रहे। एक गोपी ने शंका जाहिर की। बोलो जय श्री कृष्ण। कहने लगी, सखी नेक गिरिराज को ठीक से तो देख, दिखे धीरे बात कर, देख रहे हो सुन रहे हो? हाँ हाँ, ये हमारे कनुआ जैसे नहीं लग रहे। वही तो मैं कहूँ, ये देखो भलो मालूम पड़ते है, ये तो पुरुष नहीं लगते है। तीसरी काना फूसी करके सब गोपियां कहने लगी। एक गोपी ने कहा, घबराओ मत कन्हैया को चाचो मामू लगतो हो, वो ये कोई कम छोरो देव तो लागे। क्या क्या करिश्मो करे, काली नाग से भिड़के आयो है कल 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 की ताजी खबर। हाँ ये कुछ भी कर सकते है, इसके चाचा दादा सब देवते होंगे। ये कोई सुरेश महेश गणेश दिनेश महेश कोई देव तो है पक्को है। धीरे बोल सुन ले वो। श्री कृष्ण गोविंद। नाथ नारायण वासुदेव। भगवान गिरिराज बन के पूरा भोग ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान अंतर्धान हुए, ग्वाल बाल नाचते आए, सब गदगद होकर आए, लेकिन जैसे रात हुई आंधी चलने लगी। राजा इंद्र ने देखा कि कहे कहो तो हमारी पूजा कैसे आज के दिन आरंभ नहीं हुई, हा? कल से पूजा होती रही। बोले महाराज वहां तो आपको दानों पानी बंद है गयो है। क्या हो गया? बोले अब तो गिरिराज की पूजा है चुकी, गौवन की पूजा है चुकी, आपकी पूजा पे बेन लगायो है कन्हैया ने, स्टॉप करी है। राजा इंद्र को क्रोध आ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। आखिर तो स्वर्ग में भोगों में बैठे हैं, भक्ति योगों में तो बैठे नहीं। बोले हमारी पूजा इस कल के छोरे के कहने से, ये छोरो हाँ 8 बरस को भयो नाई, इस छोरे के कहने से हमारी पूजा करी, आज हम इनको बताएंगे। हे संवर्तक प्रकट हो। संवर्तक आ गए। बोले क्या आ गया महाराज? बोले वृंदावन नजर नहीं आनी चाहिए, जो प्रलय में बारिश होती है वही बारिश आज होनी चाहिए। संवर्तक पर्वत माफ कीजिए संवर्तक, ये बादल वे हैं जिनसे प्रलय के समय बारिश होती है। कितनी बूंद होती है? इतनी इतनी नहीं, हाथी के सूंड जितनी एक बूंद। बोलो श्री राधे। अब जो आंधी चली तूफान चलो, ब्रजवासी दौड़े सब कन्हैया नंद बाबा के पास आए। ओ नंद बाबा, ओ यशोदा मैया, अरे का भयो ये आंधी तूफान? राजा इंद्र को नाराज कर दिया, आज तो डुबा डारे वो छोड़े वो नहीं। सब कन्हैया के पास आए, कन्हैया तू रक्षा कर, जब भी मुसीबत आई तूने बचायो है। कन्हैया ने कहा, हम काय को बचाएंगे? क्यों? तुम्हारे कहने से हमने गिरिराज की पूजा करी तो ग्वाल बाल नाराज हो गए दारी के, तुमने ताथारी कहने से हमने गिरिराज की पूजा करी तो कौन बचाएगो? कन्हैया ने कहा, भाई पूजा किसकी करी? गिरिराज की, तो बचाएगो कौन? गिरिराज बचाएगो। वो कैसे बचाएगो? बोले चलो गिरिराज के पास। सब गोवर्धन जी के पास आए, भगवान ने कहा सब हाथ जोड़ो, जैसे भोग के समय जोड़े हाथ जोड़े, अब सब बोलो गिरिराज से हमारी रक्षा करो। बोले गिरिराज हमारी रक्षा करो, ये तो कुछ ना ही बोल रहे हो। बोले रुको, ऐसे बात थोड़ी ना करते हैं गिरिराज। कन्हैया गए पहाड़ में कान लगाया, बोले अच्छा अच्छा गिरिराज महाराज, आज जैसा आप कहते वैसा ही होगा। बूढ़े बुजुर्ग कहने लगे, का बात भाई? बोले गिरिराज बोल रहे हो हमको नेक ऊपर उठा लो। चिड़ गए ग्वाल बाल, दारी के तू तो ऐसे समझ रहे हो कोई छतरी उठानी है, गिरिराज उठा लो, हमसे ना ही उठेगो गिरिराज? इतनो बड़ो लंबो चौड़ो गिरिराज कोई उठाए सके है? बोलो जय श्री कृष्ण। बोले घबराओ मत गिरिराज बोल रहे हो, हम हल्को हो जाएंगे, ठीक है? भगवान आगे पड़े, एक हाथ नीचे घुसाया धरती के अंदर और ऐसे उठाए गिरिराज को
जैसे एक गुलाब का कोई छोटा सा फूल हो महाराज, पौधा हो, और कोई बच्चा भी उठा ले, ऐसे भगवान ने गिरिराज को आज ऊपर उठा लिया। सब ब्रजवासी भीतर आ गए, ग्वाल बाल आ गए, गैया आ गए, बछड़े आ गए, बछड़ियाँ आ गई, सब पशु पक्षी भी आ गए, एक भी जीव बाहर नहीं रहा। गिरिराज के सब जीवों की भगवान ने रक्षा करी और चमत्कार हो गया, गिरिराज जी की जय जयकार हो गई। गिरिराज ने सबको अपने छाँव में बिठा लिया। गिरिराज को कन्हैया ने एक हाथ के एक उंगली के इस नख पे धारण कर लिया। बोलो गिरिराज जी महाराज की, श्री गिरधारी भगवान की। नंद बाबा कहते हैं पहले बहुत उपद्रव बढ़े, कहां? गोकुल में। तो गोकुल छोड़ के हम कहां पे आ गए? वृंदावन में। गोकुल छोड़ के है ना वृंदावन में आए। ये वृंदावन में भी बड़ी मुसीबत आ गई। आज तो कन्हैया ने गिरिराज नहीं उठाया होता तो हम तो मर गए रहते। भैया बड़ी रक्षा की, एक दिन एक रात, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, छह दिन बीत गए, छह रातें हो गई। सब हैरान हो गए, सब कहने लगे कन्हैया थक गए होएगो। कन्हैया एक काम कर, तू हाथ निकाल ले, अब गिरिराज हम संभालते। बोले नहीं नहीं ठीक है। बोले अरे थक गए होगे, हम कहते हैं ना। बोलो जय श्री कृष्ण। मधुमंगल आया 18 किलो का, बोले हट जा मैं काफी हूँ। अब गिरिराज संभालो भैया, सबने डंडे लगाए और कन्हैया ने थोड़ी सी उंगली नखुन नीचे किया, तड़ 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 तड़, सब डंडे टूट फूट गए। अरे कन्हैया संभाल, कन्हैया संभाल। कन्हैया ने उठा लिया, पसीने आ गए दारी के। हम तो समझते थे कि हम ही गिरिराज को उठा लेंगे, तू अकेलो इतनो हल्को तो ना है गिरिराज, कैसे तू उठाए लियो। गोपियां कहने लगी कैसे नहीं उठाएगा, चुरा चुरा के माखन पेट भर के खाया है, उसी माखन की ताकत नहीं आई तो और कहां से उठाया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हाँ आप सच कहते हो, उसी की तो ताकत है। लेकिन फिर कहते सच बता कैसे गिरिराज उठाए हो। कन्हैया ने कहा सुनो हमारे पास एक महात्मा आए तो उन्होंने मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? बोले जो जो तुमको देखेंगे, तुम जिनको देखोगे उनकी पूरी की पूरी शक्ति ताकत तुम्हारे बीच समा जाएगी, और तुम्हारी ताकत से हमने गिरिराज उठायो। बोलो जय श्री कृष्ण। मधुमंगल आया, तभी तो कहूँ मेरे डोले कहाँ चले गए, हम इतनी कसरत करते हैं, दूध पीते हैं और फिर भी हम दुबले के दुबले। कन्हैया पहले तो तू मक्खन चुराते थे, अब हमारी ताकत चुराने लग गए। भगवान हंसने लगे, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहने लगे सच बता कन्हैया तेरे पास ये ताकत कहाँ से आई। श्री कृष्ण गोविंद। तब कन्हैया जवाब देते हैं, क्या कहा? कछु माखन को बल रहो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। अरे आराधन कर राधे 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 राधे, अरे आराधन कर राधे 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 राधे, आराधन कर राधे राधे। कान्हा भागे आए, आह कान्हा भागे आए, हो जी कान्हा भागे आए श्री। कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी थोड़ा सा इको गेन, थोड़ा सा इको गेन शार्प में। श्री कृष्ण गोविंद। गोपाल दामोदर दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। भगवान सात दिन तक गिरिराज उठाते रहे, सात दिन सबने जय जयकार करी, आनंद बरस गया,
सात दिन ग्वाल बाल गौवें बछड़े एक साथ रहे। भगवान को बहुत आनंद आया भक्तों के साथ रहकर। और फिर राजा इंद्र का होश ठिकाने आया। राजा इंद्र समझ गया, सात दिन बाद कहा, कहो तो वृंदावन तो डूब गई हैगी, वृंदावन तो डूब गई। बोले कहाँ महाराज, वहां तो लू लग रही है। लू लग रही है? हाँ, वहां तो धुर्रा उड़ रहा है महाराज। अच्छा, कैसे? बोले आप चल के देखो। आकाश से देखा, हैरान हो गए। दरअसल भगवान ने सुदर्शन चक्र घुमा दिया चारों तरफ, जो पानी आए बिल्कुल तुरंत सूख जाए। अगस्त ऋषि खड़े हो गए, बचा खुचा पानी बढ़िया पीते गए। सीताराम जी के समय उनको भोजन खिलाया था, वो तो ऐसे तीन आचमन करके समुद्र पी जाते हैं ना एक आचमन में, तो कहा कि पानी कब पिलाएंगे? बोले जब कन्हैया बन के आएंगे। तो आज पानी पिला दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा इंद्र चरणों में गिर पड़ा। सुरभि गौ माता आई, राजा इंद्र आए, देव आए, भगवान की बड़ी स्तुति करी, बार बार क्षमा मांगी। सुरभि कामधेनु गौ ने कहा, आज आपने गौओं की रक्षा की, कृपा की, आज हम दुग्ध से आपका अभिषेक करेंगे। कामधेनु गौ ने दूध से कन्हैया का अभिषेक किया। बोलो कामधेनु मैया की। राजा इंद्र ने लंबी चौड़ी प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, आज आपने गौओं की ग्वाल बालों की रक्षा की, कृपा कर एक नाम मेरा स्वीकार करें। कौन सा? आपने गो यानी गायों की रक्षा की, विंद यानी कहा जाता है स्वामी, आप गायों के मालिक हैं, इसलिए मैं आपका एक नाम आज देता हूँ, श्री गोविंद भगवान। बोलो श्री गोविंद भगवान की। बड़ा मीठा मधुर नाम राजा इंद्र ने दिया। हम थैंक्स कहते हैं राजा इंद्र को कि ये काम बहुत अच्छा किया, ये बड़ा प्यारा नाम देवराज इंद्र ने दिया। वैसे तो सदा से भगवान के नाम हैं, है ना, हरि अनंत हैं, उनके नाम भी अनंत हैं। तो भगवान ने राजा इंद्र से मुस्कुरा के बात की, कुछ बुरा नहीं माना। बड़ी हैरानी वाली बात, भगवान ने कुछ बुरा नहीं माना और इतना कहा कि चलो अब राज करो, लेकिन होश से, है ना, अपना समझ के नहीं, राज हमारा समझ कर सेवक बन के राज करो, जो आ गया भगवान। ऐसे कह के राजा इंद्र चले गए, कामधेनु गई माता चली गई। लेकिन संत कहते हैं कि वही भगवान ब्रह्मा जी से बात नहीं करते हैं, और देवराज इंद्र की जो गलती है ब्रह्मा जी से बहुत बड़ी है। भगवान को इतनी तकलीफ दी कि सात दिन भगवान को गिरिराज उठाना पड़ा, फिर भी भगवान ने माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के परीक्षा से भगवान से भगवान के भक्त गायें बछड़े एक साल के लिए दूर हो गए, और राजा इंद्र के गलती से भी भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल गौवें बछड़े बछड़ियां सब के सब ब्रजवासी सात दिन सात रात एक साथ रहे। इसलिए भगवान ने राजा इंद्र का कुछ बुरा नहीं माना। ऐसे भगवान अपनापन रखते हैं, प्रेम रखते हैं। श्री कृष्ण गोविंद। नाथ नारायण वासुदेव। तो दो दिन की कथा बची है साथ संगत जी, आज की कथा को हम विराम देते हैं, और कल आप मेहरबानी कर समय से आकर लाभ लें। क्षमा कीजिए, आज हमको ही आने में 10 मिनट देरी हो गई, है ना, लेकिन आप समय पे आए और कथा का लाभ दो दिन का बाकी है, जरूर प्रेम से लाभ लें। आधी से ज्यादा संगत तो आधे इंटरवेल के बाद आती है। हम कभी कभी सिनेमा जाओ तो ऐसे किया करो, पूरी टिकट लेके और इंटरवेल के बाद वापस चले आया करो, ऐसे किया करो, हाँ, या आधे के बाद जाया करो। और दिल्ली जाते हो कहीं आप घूमने तो कटनी उतर जाओ, अगर हरिद्वार जाते हो तो बीच में उतर जाओ, तब पता पड़े। कलकत्ते जाओ रायगढ़ में उतर जाओ, और यही कलकत्ता है। हमारी कथा से भेदभाव करते हो आप, हाँ, बाकी सब बातें अच्छी लगती हैं आपको। तो मेहरबानी करके समय से आकर लाभ लीजिए। पमनानी परिवार को भी खूब आशीर्वाद दीजिए तालियां बजाकर, जिन्होंने ये सरकंडा में पावन गंगा बहाई भगवत कथा की। आज हमारी पूज्य माता और साईं जन की सालगिरह, हाँ, हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। जोरदार तालियां बजाकर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। खड़े होकर 2 मिनट कीर्तन आरती जलाइए, फिर आरती गाएंगे। गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण।
हे गिरिराज धन प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, हे गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, हे गिरिराज धरन हरि तुम्हारी शरण, हरि तुम्हारी शरण, हरि तुम्हारी शरण, कृष्ण तुम्हारी शरण, कृष्ण तुम्हारी शरण, हे गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, हरि बोल तुम्हारी शरण, ओ श्री जी तेरी शरण, ओ श्री जी तेरी शरण, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, बोलो श्री भागवत भगवान की, राधे प्रेम से बोलिए राधे राधे, ये मधुर बोल जब फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही श्री
शान रही, सीता राम यही, राधे श्याम यही, सीता राम यही, राधे श्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, सीता राम यही, राधे श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, हरि बोल, पापियों को पाप से है तारती, श्री श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। राधे श्याम सुखदा मुरली मुकंद घनश्याम, नंद नंदन ब्रज धाम युगल मूर्ति, श्री राधे कृष्ण भगवान की आरती। आरती युगल किशोर की कीजे, राधे सबरों शावर कीजे, रवि शशि कोटि बदन की शोभा, गौर श्याम मन निरखत निरखत रीजे, प्रभु को स्वरूप नयन अमर कीजे, कंचन भारत मूर्ति बाके, हरि आए निर्मल वैशाली, फूलन की सेज फूलन की माला माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला, मोर मुकुट मुरली कर सो है, कर पीत पट सारे, पुरुषोत्तम गिरवर धारी, आरती करत सफल ब्रज नारी, नंदन नंदन विषभानु किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल छोरी। मैं तो आरती उतारूं रे राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति राम की रे, राधे राधे श्याम की रे मुक्ति राम की रे, हृदय के कपाट को हृदय के कपाट को मधुर नाम बोल दो, आहा मीठा नाम बोल दो, मैं तो चरण छवि निहारूं रे राधे श्याम की रे, एक कान्हा के चरण पखा, कन्हैया के चरण पखा, नमन करूं बार बार, अनंत बार था बार, युगल मूर्ति में सजाऊं रे राधे श्याम की रे, भक्ति धाम की रे राधे श्याम की रे, आहा भक्ति धाम की रे राधे श्याम की रे, बोलो राधा वर कृष्ण चंद्र की रे। ओम भक्त लोक प्रसन्न आत्मा, भक्त मंदार विग्रह, भक्त दारिद्र दमनो, भक्ता नाम प्रीतिदायक, भक्ता धीन मना पूजो, भक्त लोक शिवंकर, भक्ता भीष्ट प्रदह, सर्व भक्ता घोघन क्रमतन, अपार करुणा सिंधोर, भगवान भक्त तत्पर, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मूकं करोति वाचालं, पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। फिरत फिरत प्रभवाया, पर्यातो शरणाय, नानक की
प्रभु बिनती अपनी भक्ति लाय। ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री जगदम्बे मैया की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। जो बोले सो तरे जगत गुरु श्री चंद्र हरे। लविशा का भी आज नविशा अर्थशास्त्री द्वारा माता नविशा शिव भगवान तो पार्वती है ना शिव छोकरी ठा तो छोकरी पार्वती रखो सो ना शिव रखो। हेलो एक ही रूपा। हाँ आज नविशा गुड़िया का भी हैप्पी हैप्पी बर्थडे है। तालियां बजाकर आपकी आशीर्वाद मिले। हाँ खूब दीर्घायु ज्ञानी भागन वारी थे। बई कुल सवेला करे भक्ति विद्या सुमत सेवा जो दान। आरती में थोड़ा जल घुमा देंगे अपने स्थान पर घूम जाइए। ओम जय तीर्थानि ब्रजन दिशकास्तानि घनगढ़ा देखा गुम शास्त्री ओ जनेव धनवानी तन्मसी। सभी आरती ले लेवे समस्त आरती दिखा दे मैं कोई आरती लेने में हाथ जोड़ ले पुष्पांजलि। ओम एक दूसरे को राधे राधे बोलेंगे धरती माता को प्रणाम करेंगे सभी को राधे राधे। हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे नारायणाह केशवः गोविंदः गरुणध्वजः गुणनिधे दामोदराह माधवः। हे कृष्णः कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। ओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे नंदनंदनाय धीमहि तन्नो श्री राधा कृष्ण प्रचोदयात्। हाथ जोड़ विनती करूं खड़ा आपके द्वार पूजा हमारी स्वीकार करो। हे राधावर सरकार तेरा तुझको सौंपता अपना मालिक जान कर लोगे स्वीकार तो बढ़ेगा सबका मान। ना कुछ किया न कर सके ना कुछ करने योग्य जो कुछ किया सो आप हैं स्वामी आप ही करने योग्य। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर पुष्पांजलि समर्पयामि। धीरे से छोड़ दें भगवान को अगर फूल चाव रखे होंगे तो हाथ जोड़े होंगे तो वहीं से भगवान को प्रणाम कर लेंगे। बोलो गौरी गणेश भगवान की जय। कलश नवग्रह भगवान की जय। वेदी भगवान की जय। सुसौनक
ऋषि मुनियों की जय, व्यास जी महाराज की जय, पराशर ऋषि की जय, भक्त और भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, आज के आनंद की जय, सर्वे देवी देवताओं की जय, झूलेलाल स्वामी की जय, समस्त देवी देवता गुरु तत्व की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की जय हो, भारत अखंड और हर महादेव, नमः पार्वती पतये हर हर बम बम महादेव। प्रसाद लेंगे, सभी 56 भोग का प्रसाद पाएंगे। वाह वाह, मीना बहन की भी आज सालगिरह है, और सालगिरह माता जी की, साईं जन की, और नविशा का भी हैप्पी हैप्पी बर्थडे। सबके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, सदा तन मन निरोग, भक्ति का योग, सुख शांति समृद्धि का योग, और क्या कहेंगे, कृपा कृष्ण की मिलती रहे, मिले मात पिता का प्यार, दुआ मेरी हो कबूल, खुशियाँ मिले भरपूर, खुशियाँ मिले भरपूर, खुशियाँ मिले भरपूर, नविशा खुशियाँ मिले भरपूर, खुशियाँ मिले भरपूर, खुशियाँ मिले भरपूर, खुशियाँ मिले भरपूर, सबको खुशियाँ मिले भरपूर, खुशियाँ मिले भरपूर, खुशियाँ मिले भरपूर। कल भी कथा का समय यही रहेगा, सुबह 8:30 से 11 तक, और परसों फिर विराम दिवस है 3:30 से। सो कल 8:30 आप जरूर आए, कथा का लाभ लें, भगवान की बहुत महती कृपा होगी। अभी प्रसाद लिए बिना कोई नहीं जाएंगे, कृपा कर सब प्रसाद जरूर जरूर स्वीकार करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल, बस बस, बस।